जाना थी वापस स्टेशन इन्होंने मानसा जिले में वापस जा रही थी। छः सात बुढ़िया थी वो ट्रक वाले ने फुटपाथ से बैठिया थी उन्होंने लिया उपर ट्रक चाड़ दिया। तीन दो तीह मर गई एक अस्पताल में जाके मर गई तो दो ठीक ने किसान आंदोलन में शामिल होने हाँ, 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 आज वापस जा रही थी। हाँ जी वापस जा रही थी आज वो ट्रक वाला भाग गया और अस्पताल ले गई सारी अस्पताल एक उठे मर गई दो इतने मर गए मौके थे। चोटे भी आई किसी को है चोट भी लगी किसी को चोट भी लगी एक हाँ एक ही चोट भी लगी उसमें ले गया वहाँ से छत चोट लगी। नाम हरदेव सिंह ब्लाक द्राहा कैसे वसा लुधियाना मैं सवेरे 5:30 बजे उठा बाहर हाथ मुँह धोने जब नीचे देखा भी आह बुढ़िया बैठिया ने मैं कह क्यों बैठिया ने हाथ मार दिया ने पता तो नहीं भी कोई रुक हुआ कोई ना कोई रुक नहीं रहा थी। मैं उपरों भज गया सैकल जाके थले आया हेठा आके देखा तो दो माइया मरिया पो बटल हुई पीया तो एक साइड पर बैठी थी जारी वो भी बटल थी उन्होंने मैं पूछा कि अगर साढ़े को खड़ता मैं उपर गया मैं साढ़े ब्लाक के प्रधान जन स्पैशल लुधियाने के मंडल लैके आया वो आया उन्हें ले आ गया जी दो आटो रोके आटोआ के बच्चे जवराज सिंह कढ़ानी उन्होंने सिविल लेके गया दो दोजा भी एक मौत हो गई और PCR होंगी हरियाणे की अच्छ ना तो PCR थी 5 बजे तो लैके पुलिस मुलाजम 6:15 आए हैं 1.25 घंटा कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आया ना इंसानियत नाते ना कोई खड़िया 6:20 एंबूलेंस आई है जो कि 1 घंटा 20 मिनट लेट आई है। ये दसो इतों का प्रशासन इन्ना गंदा हो गया इतनी की सरकार इन्नी गंदी हो गई की गल इंसानियत साढ़े लाशा तो इस तरह नहीं सू इस तरह कुचलना कि चाहते की ने अभी ये पूछना चाहते चाहते की ने अभी उही कुछ चाह रहे हैं जो साढ़े कहना किन्ने की सूँ मारना चाहते हैं। मानसा जिले के करीब 7 महिलाएं अपने घर जाने के लिए सुबह निकली थी और वो यहाँ से किसी ऑटो को इंतजार करती ऑटो का इंतजार करके रेलवे स्टेशन को जाना था क्योंकि 7:45 की ट्रेन जाती है उस ट्रेन से मानसा जाने के लिए ये अपने तंबू से निकले थे। यहाँ इसी फ्लाईओवर के नीचे जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के पास बैठ के ये ऑटो का इंतजार कर रहे थे तो ये ट्रक जो कि झज्जर की तरफ से जिसमें के कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भरा हुआ है डस्ट वो आया और वो अनियंत्रित था और उसने उसको टक्कर मार दी और डिवाइडर के ऊपर वो चढ़ गया और टक्कर मार दी। तो इन जो 7 महिलाओं में से इसमें 3 महिलाओं को बहुत ज़्यादा चोट आई एक महिला 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी और एक महिला को यहाँ सिविल हॉस्पिटल लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो एक महिला है जिनके टांग में चोट लगी है उनको PGI रोहतक रेफर किया गया है बाकी लोग जो है उनको थोड़ी बहुत मामूली चोट आई थी उनके उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। ट्रक चालक की क्या स्थिति है? जो ट्रक चालक है मौके पे दुर्घटना के बाद इमीडिएटली वहाँ से मौके पे भाग गया था उस ट्रक की पहचान करके इसके मालिक है उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीम भेजी है। अभी जिस तरह की बात सामने आ रही है पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा किसानों की तरफ से मुआवजे की बात की जाए ये पोस्टमार्टम क्योंकि अभी तक ये दुर्घटना का मामला है सुबह सुबह एक अंधेरा भी था और उस जगह रोड भी कुछ खराब है बाकी ट्रक में ड्राइवर की क्या हालत थी एक बार पूछताछ के बाद क्लियर भी हो पाएगी तो उसकी एक बार पहचान के बाद में राउंड अप होने के बाद में बेहतर स्थिति में बता पाएंगे मगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से कागजात तैयार करिए जा रहे हैं और जो किसान भाई हैं उनके जो नेता हैं उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को जैसे ही ड्राइवर भी गिरफ्तार हो तो अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म भी किया गया अभी तक की घटनाक्रम के बारे में और आगे जो है उनके साथ साथ बात करके हम लोग आगे मैकेनिकल जांच भी होगी। हाँ ट्रक में अगर कोई खराबी आई है उसके कारण दुर्घटना हुई होगी तो उसकी भी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और इसमें किसान जो साथी हैं उनके साथ उसको भी इसकी पूरी जानकारी का गति से अवगत कराया जाएगा। मैंने अभी दिल्ली में कार्यभार संभाला है तो इसकी जो यातायात व्यवस्था के बारे में और जो रात को जो डंपर ट्रक चलते हैं इनको कोई अल्टरनेट रूट दिया जा सके और अगर कोई ओवरलोडिंग चल रही है उसके बारे में कार्रवाई चल दिया जाएगा तो इस संबंध में हम आज चर्चा भी करेंगे और अपने जो ट्रैफिक है जो यहाँ पे इंचार्ज है इसके अल्टरनेट रूट के लिए और रात में खासतौर पे ट्रैफिक को मेमोलाइज करने के लिए और ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के लिए सही तरीके से हम जो ड्यूटीज लगाई हुई हैं पूरी करेंगे कि उसमें आप दोबारा रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करवाएं प्रॉपर तौर पर। किसानों ने ऐसा भी कहा कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा जिस रास्ते से ट्रैफिक जा रहा है एक साइड उस पर हैवी व्हीकल्स ना आने दीजिए। जैसे दिन में तो हमने देखा दिन में तो हैवी व्हीकल्स कुछ नहीं आते अगर रात में हैवी व्हीकल का तो मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को हम लोग 100% चेक करेंगे कि इस रास्ते पर खासतौर पर ना निकले इस बारे में हम लोग